तो आप लोग को गुड न्यूज दे दूं, आप लोग में से जो भी लोग देख रहे हैं जिनको भी डर लग रहा है वैक्सीन वैक्सीन लेने का, तो मैं आप लोग को वही बोलेगा, लेट्स गो। गाड़ी कभी धोया रे? कल धोया ना, परसों धोया था मैं, जस्ट सुबह धोया। अब फिर से कचरा होने वाला है। नहीं अभी बारिश है नहीं ना, साफ हो गया थोड़ा रोड। चल किधर जाएगा, किधर जाएगा? क्या भटकने का है सिर्फ? चालू रहेगा क्या? संडे है भाई, चल तो। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज पीडी लियो एंड वेलकम टू दिस न्यू व्लॉग, नॉट अ वीडियो, दिस इज अ व्लॉग। सो आज के व्लॉग में हम लोग सिर्फ भटकने वाले हैं, क्योंकि घर बैठे बैठे कंटाल आ गया था। यश ऑक्सी ऑन द माइटी RC390 एंड आई एम ऑन द बीस्ट, द पॉकेट रॉकेट RX100। तो गाइस जैसे कि आप लोग को मालूम है, अपना गाड़ी में डिस्क ब्रेक का सेटअप आने वाला है एंड वो बहुत डिले हो गया है ऑलरेडी। तो आप लोग को गुड न्यूज़ दे दूं कि कल मंडे को अपना सेटअप इंस्टॉल होने वाला है। तो आप लोग को जाना पड़ेगा मेरा इंस्टाग्राम पे कल सुबह सुबह, क्योंकि मैं सब स्टोरीज़ उधर ही पोस्ट करने वाला है एंड जो उसका प्रॉपर व्लॉग है वो अगला दिन पर आ जाएगा ट्यूज़डे को। तो स्टे ट्यून फॉर दैट, कल इंस्टाग्राम पे पहुंच जाओ या फिर अभी वीडियो के बाद में फटाफट उधर जाके मेरे को फॉलो कर दो, तो आप लोग को स्टोरी दिख जाएगा कल। ये गाड़ी को पकड़ने के लिए ना 390 चाहिए, नहीं तो 600 सीसी चाहिए। इसको कितना भी भगाओ भागता नहीं है, मतलब उसके साथ कोप अप नहीं कर पाता है। नहीं तो ऐसा ये गाड़ी भी अपना कुछ कम नहीं है। आज तक एक पुलिस वाले को मैं देखा नहीं जो बाइक पे हेलमेट पहन के गाड़ी चलाएगा। यही लोग हेलमेट नहीं पहनेगा तो नॉर्मल जनता क्या सीखेगा इससे। एनीवेज ये चेंज तो आने से रहा। ओ माय गॉड, वोग, लुक एट द साइज ऑफ दिस थिंग, क्रेजी। तू गाड़ी देख रहा है क्या आगे? वो हीरा नंदानी का एक फ्लैट लेके चल रहा है रोड पे। डॉगो, डैम क्रेजी। तो कल मैंने लगाया वैक्सीन एंड वैक्सीन जैसे कि लगाने के बाद आप लोग को मालूम है इंसान सीधा बेड रेस्ट पे जाता है, तो मेरे साथ में भी वही हो गया। मेरे को बुखार विखार नहीं आया क्योंकि मैं पैरासीटामोल ले लिया था एंड प्रॉब्लम बस यही हुआ कि जो लेफ्ट वाला आर्म है जिधर वैक्सीन दिया वो वाला बहुत पेन कर रहा था एंड रात को सोने के भी वांदे हो गए थे, लेकिन चलता है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अभी थोड़ा सा सहन करना पड़ेगा, बाद में तो उसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। मतलब अगर कोरोना वीरोना हो गया वैक्सीन लगाने के बाद तो आपका विकेट नहीं जाएगा, इतना तो कन्फर्म है। सो मैं भी आप लोग को यही सजेस्ट करेगा कि जब आप लोग भी अगर वैक्सीन ले रहे हैं, जो आई एम श्योर आप लोग लेने वाले हैं एंड लेने ही चाहिए, कुछ भी उसका साइड इफेक्ट नहीं है, कोई भी आप लोग टेंशन मत लो। रूस पकड़ सकते क्या उसको? उरुस उड़ उड़ के जा रहा है। ओके वी हैव गॉट द उरुस। अरे ये वही है हॉर्स पावर कार्टेल का वीडियो में दिखता है ना। गाड़ी अच्छा है, मेरे को कलर नहीं जमा इसका,
सिल्वर में होता तो अच्छा दिखता था। गाड़ी अच्छा है, मेरे को कलर नहीं जमा उसका, येल्लो अच्छा है। गाड़ी अच्छा है तो कलर भी अच्छा है। अभी किधर? पैसा अच्छा है, पैसा अच्छा है। अरे पैसा उधर गया ना, पैसा चला रहा है, इतना बड़ा एसयूवी हो। सो गाइस, एज आई वाज सेइंग, उरुस देख के थोड़ा दिमाग भटक गया था। बैक टू द ट्रैक। तो आप लोग में से जो भी लोग देख रहे हैं, जिनको भी डर लग रहा है वैक्सीन वैक्सीन लेने का, तो मैं आप लोग को वही बोलेगा कि बिंदास आप लोग वैक्सीन ले सकते हैं, लगा सकते हैं, आपके सेफ्टी के लिए ही है वो। एंड कोई भी उसका साइड इफ़ेक्ट है नहीं। मैं भी लगा लिया, बहुत लोग लगा रहे हैं। एंड और एक बात, कोवैक्सीन मत लगाओ, कोविशील्ड लगाओ, क्योंकि कोवैक्सीन का बहुत ऐसा मतलब सीन है, आपको बाहर जाने को प्रॉब्लम होएगा उसके अंदर। फॉरेन कंट्रीज़ आप जा नहीं सकते, ऐसा वैसा मतलब कोई कोई कंट्रीज़ में ऐसा है प्रॉब्लम कि मतलब आपने कोवैक्सीन लगाया तो आपको एंट्री नहीं है उधर। कोविशील्ड के लिए सब जगह ओपन है, सब जगह फ्री है, कोई टेंशन नहीं है। अभी अपना ओडिशा वाला फैम रहेगा जो सोमजना का वीडियोस देखता है, तो सोमजना ने भी कोवैक्सीन लगाया एंड उनको प्रॉब्लम हो रहा है फॉरेन कंट्रीज जाने के लिए। तो अभी वो ऐसा बोल रहे हैं कि कोवैक्सीन का दो डोज ले लिया है, लेकिन फिर भी वो अप्रूव कभी होएगा उसका कुछ गारंटी नहीं है। तो उनको वो बोल रहे हैं अभी कि हम फिर से कोविशील्ड लगाने वाले। तो आप लोग समझ ही सकते हैं कोविशील्ड का कितना महत्व है अभी मार्केट में। कोवैक्सीन भी ख़राब नहीं है, लेकिन बस प्रॉब्लम ऐसा है कि उसको अप्रूवल नहीं मिला है अभी तक। सो दैट्स दैट। एंड कमिंग बैक टू द अपना डिस्ब्रेक वाला सेटअप, तो एक आप लोग को एक ज़रा जनरल एक आइडिया दे दूँ कि क्या क्या अपना चेंज होने वाला है। डिस्ब्रेक का सेटअप आगे वाला पूरा फोर्क असेंबली सब चेंज होने वाला है, हब विप के साथ में पूरा रिम ही चेंज होएगा वो। फिर कोन सेट चेंज होएगा, वो भी बहुत साल हो गए चेंज नहीं किया, तो वो भी हाथों हाथ चेंज कर देंगे, क्योंकि एक पार्ट खोलने के लिए बहुत कुछ खोलना पड़ता है एंड इतना सब खोल रहे तो वो भी चेंज कर देंगे। वो हो गया। फिर आगे का हेडलाइट हो गया, उसमें थोड़ा रस्ट लग गया है जो आगे वाला का उसका खोपड़ी। देन एल मोनोग्राम मेरा साइड वाला जो पैनल पे लगता है इधर। एंड कार्बोरेटर का सर्विसिंग क्लीनिंग, चेन लूबिंग, चेन क्लीनिंग होएगा। पीछे का मडगार्ड चेंज होएगा, आगे का मडगार्ड चेंज होएगा। पीछे का रिम तो चेंज हो ही गया है एंड पीछे का ब्रेक लाइनर चेंज होने वाला है। तो अच्छा खासा सामान लगने वाला है गाड़ी में एंड उसके बाद गाड़ी चलाने को फिर मज़ा ही मज़ा है। एंड छोटा मोटा चीज़ का भी मैं आप लोग को टिप्स देने वाला है कि जैसा कि बहुत लोग बोलते हैं हाई स्पीड में गाड़ी पेट्रोल छोड़ देता है, तो जो पेट्रोल ख़त्म हो जाने वाला प्रॉब्लम था उसका भी सोल्यूशन मिल गया है। तो वो मैं नेक्स्ट वाला वीडियो में, जब भी छोटू भाई, रफीक भाई सब लोग साथ में रहेंगे, तो मैं आप लोग को बताएगा कि हम लोग ने वो प्रॉब्लम कैसे ठीक किया। तो ये सब चीज़ का इन्फॉर्मेशन आप लोग को अगला वाला वीडियो में मिलेगा। एंड जैसे कि आप लोग को मैंने बोला डिस्क ब्रेक वाला सेटअप है, वो कल आप लोग को स्टोरी में दिख जाएगा, मैं कल स्टोरीज पर डालने वाला है सब कुछ। तो इंस्टाग्राम पर जाके मेरे को फटाफट फॉलो करो एंड ट्यूसडे को आपको मिल जाएगा व्लॉग। फिर उसके बाद तो एडवांटेजेस ऑफ डिस्क ब्रेक सेटअप, कितना कॉस्टिंग आया, आपको लगाना चाहिए कि नहीं, प्रॉब्लम्स क्या फेस होता है, कौन सा सेटअप लगाने का, पल्सर लगाओ, अपाचे लगाओ, ग्लैडिएटर लगाओ, किस में प्रॉब्लम आता है, किस कौन सा सही है, हर एक चीज़ के ऊपर आपका भाई वीडियो बना देगा। तो आप लोग बेफिक्र होके वो भी लगा सकते हैं। सो गाइस, यही था आज के वीडियो में जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट द अपकमिंग व्लॉग्स एंड सम टिप्स अबाउट गेटिंग वैक्सीन। सो आई होप आप लोग को ये सब इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा रहेगा। एंड अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब एंड अपने फ्रेंड्स लोग के साथ में ये वीडियो शेयर करो, उनको भी एक नॉलेज मिलने के लिए। सो दैट्स अबाउट इट फॉर दिस वीडियो एंड आई होप टू सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय, टेक केयर एंड पीस, स्टे सेफ।